तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डीजो की तरफ से आने वाली डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे पहले आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डीजो स्मार्ट वॉच 2 की, तो फटाफट से इसका जो रैप वगैरह है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इसका बॉक्स देखने में मिल जाता है। बहुत ही स्लिम है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को बॉक्स के ऊपर क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टिकर जो लगा है उसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में मैं आपसे सबसे पहले बातचीत कर लेता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको ऊपरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे साइड में आपको मेन हाईलाइटेड फीचर देखने लिए मिल जाते हैं। 4.3 इंचेस का यहाँ पे ब्राइट फुल टच स्क्रीन देखने को मिलता है, 110 प्लस स्पोर्ट मोड्स, और यहाँ पे बाकी ब्लड और हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस और 10 day बैटरी लाइफ, और यही सारी चीज़ें जो नॉर्मल हर वॉच में मिलती है वो भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो इसका कलर है वो यहाँ पे सिल्वर ग्रे कलर है, और जो बैटरी है इसमें पॉली लिथियम बैटरी है 260 mAh की, और यहाँ पे चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल, डायमेंशन मेंशन वगैरह मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे चार्जिंग केबल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हम लोग को बॉक्स में इंक्लूडेड देखने को मिल जाती है। कुछ फर्स्ट ओवर लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। साइड में लिखा है डीजो रियलमी टेक लाइफ। दोस्तों डीजो जो है वो बेसिकली रियलमी की कंपनी है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग नीचे से जो भी माल मटेरियल इसके अंदर में है। तो निकालने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ रखा हुआ था यूज़र मैनुअल, और साथ ही साथ जो इसका चार्जर केबल रहता है, मतलब चार्जर नहीं अडेप्टर नहीं, यहाँ पे सिर्फ केबल आपको मिलेगा मैग्नेटिक पोर्ट वाला, USB A टू मैग्नेटिक पोर्ट, जो कि आपके वॉच के पीछे की तरफ लग जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर भी इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों का जो चार्जिंग केबल है वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है हम लोग को, कुछ ऐसा है। तो फटाफट से इसको रखते हैं साइड में और बात करते हैं अपने मेन स्मार्ट वॉच की। और यहाँ पे हम लोगों को देखने मिल जाता है ये बहुत ही बड़ा सा यूज़र मैनुअल, वैसे भी जिसको पढ़ना होता है वही पढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोगों की वॉच जो है वो फिट करी गई है। इसको निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हम लोग की वॉच का फर्स्ट लुक आ गया है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसके स्ट्रैप को, यहाँ पे जो लगा हुआ है फिल्म प्रोटेक्शन इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हम लोगों की वॉच जो है वो देखने लिए मिल जाती है। हल्की सी यहाँ पे बल्की देखने को मिलती है हम लोगों की ये जो वॉच है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे हम लोगों को जो मैकेनिज्म मिलता है स्ट्रैप चेंज करने का वो थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म है उसका साइज़ जो है बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू फायरबोल्ट वाली जो स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग मैंने करी थी तो आप नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बड़ा मैकेनिज्म इसमें दिया है, लेकिन ये वाली वॉच में जो मैकेनिज्म इसका है बहुत ही छोटा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि इसका जो कलर है वो है हम लोगों के पास सिल्वर ग्रे, कॉम्बिनेशन कलर है साइड में सिल्वर, और यहाँ पे स्ट्रैप जो है वो इसका ग्रे कलर का है। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा मोटा कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट बना देता है अगर आप एक वॉच पहले यूज़ कर चुके हों जो इससे पतली है। लेकिन बाकी और कोई चीज़ में मुझे कोई भी मतलब इतना बड़ा इशू नहीं हुआ है। और यहाँ पे डीजो की ब्रांडिंग स्ट्रैप पे देखने को मिलती है, स्ट्रैप की क्वालिटी भी एक नंबर, वॉच की क्वालिटी भी एक नंबर है। और यहाँ पे बैक साइड में मैग्नेटिक पोर्ट जो है वो भी हम लोग को देखने को मिलता है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे हम लोगों को राइट हैंड साइड में पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाती है, इसको टैप एंड होल्ड करके ही बेसिकली आप हर वॉच को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें सीन ऐसा है कि ये वॉच अभी स्टार्ट नहीं होगी, आपको सबसे पहले इसको इसके चार्जर से कनेक्ट करना होगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे इसको चार्जर को जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस वॉच का चार्जर जो है वो निकाल लिया है, और सिंपली आपको इसके बैक पे इसको चिपका देना है, कुछ इस तरीके से वो अपने आप चिपक जाएगा। और इसको आप अपने अडेप्टर में या फिर मेरे जैसा अगर आपके पास पावर स्टेशन है तो वैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा ये सारी चीज़ें वॉच और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आप पावर स्टेशन से कनेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैटरी जो है वो अभी है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो दिखाता है कि ऑन नहीं होता है वो बेसिकली ऐसे ही ऑन होगी पहली बार। यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज जो है वो
सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो प्रोसेस मैं आप बात करता हूँ उसकी, कि आपको कैसे इसको ओपन ओपन करना है, तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जैसे ही आप लेफ़्ट की तरफ या फिर स्वाइप करेंगे तो ये आपका QR कोड जो है वो आ जाने वाला है। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है इनके डीज़ो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन जो है वो मिल जाने वाली है। फटाफट से मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं लॉगिन वगैरह जो है वो इसको फटाफट से कर देता हूँ। लॉगिन कर देने के बाद में मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, तो फटाफट से मैं स्कैन कर देता हूँ। तो स्कैन करने के बाद में यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ प्रोसेस करना है और आपको भी सेम रिपीट करना है। फिर आपकी जो वॉच है वो ऊपर सेगमेंट में दिखाने लगेगी। स्पोर्ट जो मेरे वॉच का नाम है, स्मार्ट वॉच स्पोर्ट 2, तो उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली मैंने यहाँ पे अपने वॉच को अपने हाथों में पहन लिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो लुक इसका बहुत ही बढ़िया आ रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे मैंने वॉलपेपर वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर दी। कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं स्मार्ट वॉच जो का जो इसका एप्लीकेशन वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इसका एप्लीकेशन है। इसके होम ऐप पर चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो दिखा देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर आप फाइंड डिवाइस बारे में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरी जो वॉच वो वाइब्रेट कर रही है, वो अभी आपको पता नहीं चलेगा। और ये सेम फीचर हम लोगों को जो है वो आपकी स्मार्ट वॉच में भी मिलता है। अगर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो आप अपने स्मार्टफोन वॉच से जो इसमें अलर्ट फीचर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको सिंपली जो है ऐप ड्रॉअर में जाना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो आप कैमरे के बगल वाले आइकन को देख रहे हैं, आप इसको जैसे ही प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं रिंगिंग लिख के आ रहा है। तो हम लोगों का फ़ोन जो है वो यहाँ पर रिंग करता है। तो ये चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ दोस्तों। कुछ इस तरीके से फीचर जो है वो ये हम लोगों का काम कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है इसके अंदर मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो 110 प्लस स्पोर्ट मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पोर्ट चाहिए तो मोर स्पोर्ट्स में जाके आप वहाँ से जो है वो भी लगा सकते हैं। कोई अपनी मनपसंद जो भी स्पोर्ट आप करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो भी आप जो है वो ला सकते हैं। और मल्टीपल ऑफिस वॉचेस जो हैं वो आपको होम स्क्रीन पे इसके देखने को मिल जाते हैं। आप अपने पर्सनल वॉच जो फेसेस हैं वो पर्सनल एडिट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप प्ले म्यूज़िक कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें जो सब फ़ोन में देखने के स्मार्ट वॉच में देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई रिस्पॉन्स जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर कॉल आ रही है तो आप उसको अलाउ या फिर डिनाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी मेन फीचर्स जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। डीजो टेक लाइफ डीजो जो स्मार्ट वॉच 2 प्रो है वो हम लोगों को इसमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, निकले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई तो सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर देना। नीचे अगर बेल आइकन नहीं इनेबल किया तो फटाफट से बेल आइकन को भी इनेबल कर देना। मिलते हैं दोस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।